24 किल 22 बंदे अलाइव और सिर्फ 16 बंदे ही मारने हैं। मैं पूरी जान लगा दूंगा, हर तरफ अंधा धुंध रस करूंगा, लेकिन 40 किल करके रहूंगा। चालीस किल देखकर किसी को नींद आनी नहीं है कि 40 किल देखकर किसी को नींद आनी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। तो आज के इस मैच में मेरे से भी ऊपर एक टॉप आरपी वाला बंदा आया था, जो कि ये रहा ये एम्पायर नाम का। एम्पायर लिखा है कि एम्परर, खैर जो भी हो इसको तो पेलेंगे ही, पर साथ ही बाकी के बंदों को भी निपटा के आज 40 किल करना ही है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए यार, आज किल करना है 40 के पार। खैर फिलहाल हम लोग उतरे थे विलेज में और यहाँ उतरते ही मुझे AKM मिल जाती है। सिरिया, ये तूने क्या किया? वो तो बंदा ओपन भी है, ऊपर है। तो यहाँ उतरते ही मैं दो बंदों की पेटी बना देता हूँ और ये देखो मैच के दो बंदे मैंने निपटाया, अभी 98 बंदे बचे हैं। जलवा है मेरे मैच पे बॉट है। बढ़िया, फिलहाल मैं ये टुकटुक वाली बंदूक से एक बंदे को नॉक करता हूँ, पर उतने में मुझे लंदन वाली बिल्डिंग से फुर्सत टैप आती है तो मैं एक बम बबूरा करता हूँ और इससे कुछ भी नहीं होता। ये नाम तो एम बोल लो ना। Watch out! पर फिर ये लंदन बिल्डिंग वाला बंदा ब्रोकन बॉल में जाता है, तो देखो आप। नंबर भी है मेरे पास उसका, पर डरता हूँ भेजने से एक हाय, और फौजी गोली चलाता है तब तक जब तक बंदों की पेटी न बन जाए। तो इसको भी मैंने निपटा दिया और फिर मैं आता हूँ इस गोला वाली बिल्डिंग में और यहाँ आते ही मुझे दो चार बंदों की फुटसा टैप आती है, तो मैं जलती बोतल में आग फेंकता हूँ और फिर अरे ये किसका माइक है, माइक ठीक करो पहले, ओपी बाद में करना। अरे गजब, तो मैच शुरू हुए अभी 2 मिनट नहीं हुए और मैंने 7 किल कर लिए, पर उसके बाद इस इलाके में लॉकडाउन टाइप का लग गया था, न गोली चल रही थी न कोई दिख रहा था, यानी कि सारे बंदे निपट गए हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकलने की सोच ही रहे थे, पर उतने में मुझे सामने वाली बिल्डिंग में एक बंदा उतरते हुए दिखता है, तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि भैया पिछवाड़ा बचा के रखना, सामने एक बंदा उतरा है। अब सामने मैंने एक बंदे को नॉक किया और फिर हेलीकॉप्टर बन के इसकी बिल्डिंग में आया। उड़ने वाला पीछे से बंदा आ रहा था। सर राइट में शायद। अरे 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 भाई, अरे भाई मारना नहीं यार। खैर यहाँ तो मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन रिवाइव होने के बाद सबसे पहले मैं अपने सम्मानी आदमी बूट दादाओं को निपटाता हूँ, क्योंकि भैया बूंद बूंद से सागर तो नहीं पर लोटा जरूर भरता है। वास्तविकता अच्छा। को पहचानूं, मैं जानता हूँ कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सागर भरता है, लेकिन भैया हमने सागर नहीं पर लोटा जरूर भरते हुए देखा है, सागर तो नहीं भरता होगा यार बूंद से। बात तो सही है। ये साला बंदा उस बोट को मार ही नहीं रहा था, इसकी पोजीशन पता चले। बड़े हरामी हो बेटा। मूवमेंट नहीं। एक और आ रहा है, इधर से आ रहा है। वॉच आउट, अरे वज भी आ रहा है। ब
बेटा पिछवाड़े में देंगे तीन और सब लेंगे छीन, भौकाल मचा देंगे पूरे रंगल में। अरे एक ये एक मित्र पे ये सामने आ गया है, इसको प्रोडक्ट कर दो। लंबे के पीछे अब सामने भी एक बंदे को मैंने नॉक किया, पर फिर मेरा टीममेट कहता है कि एक बंदा लेफ्ट में भी है फौजी भाई, तो मैंने सोचा कि उड़ के लंदन वाली बिल्डिंग के ऊपर चला जाऊं। पर उतने ही में सामने से एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो मैंने बोला भैया पहले इनको निपटाते हैं। अब इसको तो मैंने घुटनों के बल कर दिया, लेकिन इसके पहले जिसको नॉक किया था मुझे लग रहा था कि शायद वो रिवाइव हो चुका है। अब इन दो को निपटा तो दिया, पर साला किल हो गए 17। अरे गलत। और जब जब किल हो जाते हैं 17 तो कंटेंट में हो जाता है खतरा, पर अभी मेरे टीममेट के साथ हुआ है, मेरे साथ अब नहीं होगा क्योंकि 18 किल हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको भी निपटाई देते हैं, लेकिन जब हम लोग ऊपर आए तो भैया यहाँ पे कोई था ही नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो है तो यही कहीं, इसलिए मैंने जादू को बोला भैया सतर्क रहना कहीं सांप का चक्कर मुँह से टक्कर न हो जाए। और ये देखो तू लेट जा चाहे कहीं भी, पर फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा मेरा, क्योंकि बेटा अगर तू सांप है तो मैं भी हूँ सपेरा। मैं नाक से मार रहा था क्या? अब सामने में जिसको मार रहा था नहीं वो थी बाइक थी वो, लेकिन मुझे लगा कि कोई बंदा है। यार सच बता रहा हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं, रात में मोबाइल में बायोलॉजी की क्लासेस देखता हूँ ना, इस वजह से। खैर बंदे बचे हैं लगभग 50, तो इन 30 बंदे में 20 बंदे तो मैं आराम से निपटा सकता हूँ, लेकिन अगर और जल्दी निपटाना है तो उसके लिए चाहिए मुझे ड्रैगन की पावर, इसलिए मैंने जादू से बोला कि पोचंकी में गाड़ी लगाओ, अपन यहाँ पे ड्रैगन बॉल लूटते हैं और उसके बाद बंदों को निपटाएंगे। पर लेते नहीं, समन कर देंगे पीछे। अब मेरे टीममेट ने कहा बंदे बंदे बंदे, तो मैंने कहा लो भैया सोने में सुहागा, 2-4 किल और मिल जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो मैं उड़ के सीधा यहाँ आता हूँ और पता चलता है कि मेरी बिल्डिंग के नीचे एक ठो बंदा है, तो मैंने सोचा लड्डू खा के इसको कामयाबियां दे दूँ। पार नीचे कूदा, काबिल नहीं हूँ यार तुम, ऐसे काय घुस गए भैया बिना बताए, अब भी काम डल जाता तो। मैं घुसा नहीं, मैं तो नीचे था, ऊपर से नीचे आ गया। चलो फिर ठीक है, तो भैया यार यहाँ पे सिर्फ एक ही ठो बंदा होता है, मैंने साला 4-5 बंदों के अरमान लगाए थे, पर कोई ना जो गलत है वो ही चलत है, तो यहाँ इसको निपटाया और उसके बाद ड्रैगन बुला के मैंने पावर भी ले ली थी। और फिर हम लोग वहाँ से सीधा यहाँ जाते हैं, और यहाँ आते ही मुझे लेफ्ट वाले घर में एक गाड़ी दिखती है। पार अभी साला ये तो ऊपर चले गए, बीजमाई वालों ने ये चीज घेतल दे दी यार। पीछे वाले कहाँ पर? अरे एक तो बंदा है, ये मेरे पेट पे लेटा है, सामने देखो इस पे, देखो इस पे ये लेटा है मेरे मार पे। चलो चलो अपन गाड़ी घुमा लो ना, एक ही बंदा है, ये गाड़ी फटेगी, ये लेटा है, ये लेटा है। आओ कदम कदम बहुत लेटे। अबे ये तो वही टॉप आरपी वाला है। लो आज मेरी एक ठो शायरी भैया बिल्कुल सच हो गई, जैसे हर बंदा हर बंदी का ब्रो नहीं होता, वैसे ही हर टॉप आरपी वाला प्रो नहीं होता।
देखो ना कैसे लेटा था। तो एक बार राउंड मार यहाँ पर। कहाँ है तू? कितने बंदे स्पॉट करना। ओके ओके डन। मारो मैं राइट से घुमाऊंगा। तुम झोपड़ी वाले ये खुशबू है। खुशबू नाम था उसका, पाद कर चली गई। खैर 24 किल 22 बंदे अलाइव और सिर्फ 16 बंदे ही मारने हैं। मैं पूरी जान लगा दूंगा, हर तरफ अंधा धुंध रस करूंगा, लेकिन 40 किल करके रहूंगा। अब सामने एक तो बंदे को मैंने नॉक किया और फिर उधारी बाड़ी करके अपने टीममेट से गोलियां लेता हूं और फिर आगे जाके एक मौली करता हूं। वो भाग रहा है। उड़ गया, वो भाग रहा। ऊपर जाने वाली जगह में गया। एक ऊपर रिवाइव कर रहा है कोने में। मेरा कंफर्म कर दिया मैंने। ऊपर ही बैठा है। जा ऊपर है, ऊपर डायरेक्ट जा, मैं कवर दे रहा हूं। कोई भागा। उड़ गया। उसके जा रहा है, उड़ के जा रहा है। कहां उड़ा? किस तरह पड़ा? इधर। अब वो उड़ गए थे सामने, तो मैंने कहा मेरे को भी उड़ना पड़ेगा। जादू सिर्फ क्या बात है ये भी तो बोल सकते हो, बीच में वो अपशब्द लगाना जरूरी है का? झूठा होने वाला है और 17 बंदे बचे। जल्दी करो बजवे हैं। ये लेटा है मेरे सामने, यहाँ पर है मेरे सामने लेटा है, मेरे सामने यहीं पर ये लेटा है। ये साला फिर से ऊपर जाने वाला था। मेरे सामने ओपी, आजा। बंदे मारने की जिम्मेदारी टीममेट ने मुझ पर सौंपी। उनका काम तो बस ये बोलना है, बहुत गजब फौजी भाई, ओपी ओपी ओपी। अब यार यहाँ तो मैंने सारे बंदे निपटा दिए और सच में अंधा धुंध रस किया था यार, लेकिन साला कुछ भी कर लो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। बंदे बचे अब ओनली 10 और मेरी सस्ती गणित के हिसाब से 28-10 सिर्फ 38 होता है यार, यानी कि 40 किल अब नहीं हो पाएंगे, पर कोई ना 38 तो कर ही रहूंगा। ये यहाँ पर बंदा, ये यहाँ पर, यहाँ बंदा दिखा, ये बंदा कहाँ था? अरे तुम्हें तो लेफ्ट पर है, पेंटर गड़बड़ होएगी। ये यहाँ बैठा है, ये बैठा है, देखो इसको मारो, इसको घुमाऊंगा लेकर मार दो। एक ही बंदा है, हाँ तो मार दे और जोन में चलना है इसके बाद सीधे। हाँ इसे मार के जोन में से उतर के मार लो, मतलब उतर के मार लो। वो है अगले बैठो, छोड़ो मैं लगा पड़ा। अरे जोन में भी बंदे थे। हाँ अब इस फ्लेयर वाले को तो निपटा दिया, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब हम लोग इस तरफ आ रहे थे तभी राइट से हम लोगों को गोलियां पड़ी थी। जा रहा हूं। और वो लोग ये पहाड़ी में, भैया बदला मार दो, मारो बहन को। अरे बहुत बढ़िया, पत्थर में सबको मारते मारते किल्स का स्कोर 30 के पार ला दिया और स्पेक्टेट करने वाले भी ऑल पे बोलते होंगे ये फौजी नाम के बंदे ने पूरा सर्वर हिला दिया। तो यार फाइनली इस सकॉट को भी मैंने निपटा दिया और उसके बाद अपने एक टीममेट को आगे भेजा और उससे कहा कि भैया बंदे ढूंढो, क्योंकि यार बंदे बहुत कम बचे हैं, तो अगर वो आपस में मर गए तो ये 36-37 किल भी नहीं हो पाएंगे। ऊपर पहाड़ी बंदे हैं आई थिंक। तू देख घुमा गाड़ी, वो देख रहा हूं। टेंशन ना ले, वो दिख रहा है, इसे दिख रहा है ऊपर। वॉच आउट, वो दिख रहा है। रुकना, यही रुको, इस जोन में, वो जोन के बाहर है भैया। हम जोन में वो यहाँ पर सबसे ऊपर, वो देखो। मार मत करो, हो गया स्पॉट भाई, हो गया।
अब वो बंदा काफी दूर था तो मैंने सोचा कि उड़ के उसको मार दूं। उड़ के वो मारो ना, मारो ना। और कई बंदे देख के आ रहा यार, मारो मेरे ओपन में गिरेगा, ओपन में गिरेगा। कहां गायब हो गए रे? इसके पीछे पत्थर के। नहीं, नौ ही बंदे हैं या नौ हो गए। अब वो बंदा पत्थर के पीछे था तो मैं उड़ा और फिर सोचा कि कामयाबी मार दूं, लेकिन ये कामयाबी साला उसके ऊपर जा ही रहा था। ये साक्षी को भैया मैंने तीसरी बार मारा हूँ यार, एक बार विलेज में पेला था, एक बार गटका में और एक अभी। खैर इसकी पेटी से मिल जाती मुझे AWM तो मैं इसे उठाता हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि AWM मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अब बाकी के बचे हुए बंदों को AWM से मारेंगे। उठली हूँ पेल दूंगा। लेकिन देखो एक सामने दिख जाएगा। हाँ 355 साले किट्टू, तुमने तो पिट्टू बनवा दिया यार। ये कौन सा नीचे है यार, ये बताओ तुम, ये कौन सा नीचे है? ये फ्री फोकट में 3 किल का नुकसान करवा दिया और बेइज्जती अलग। अब देखो वीडियो खत्म हो गई, लेकिन भगना मत तुरंत, पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत से मैंने एक भी बार नहीं बोला ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, तो आप प्लीज कर दो। और उसके बाद एक शेयर हो सके तो वो भी कर दो और एक प्यारी सी कमेंट कर दो, ठीक है? सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।